राधे राधे दोस्त, मैं आपकी एस्ट्रो दोस्त एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता अपने ज्योतिष के चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे, अपने पूरे परिवार के साथ ऐसे ही स्वस्थ और प्रसन्न बने रहें, ऐसी मैं आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। दोस्तों, आज मैं आपके लिए, बहुत सारे मेरे पास मैसेजेस आते हैं कि किसी ने कुछ किया कराया है, ये शत्रु परेशान कर रहे हैं, ये शत्रु हमारा काम बिगाड़ रहे हैं, या आपको ऐसा लगता है किसी ने आपके ऊपर कोई नज़र जादू टोना टोटका कर दिया है, अकारण आपको भय लग रहा है, या आपका किसी ने काम बांध दिया है, आपको इस तरह की स्थितियां महसूस हो रही हैं, तो इसके लिए आप क्या एक अचूक प्रयोग करें जिससे कि आपकी इस समस्या का आपको हल मिल जाए। इसके साथ ही दोस्तों, आपको अमृत की बूंद और जादुई अक्षर दूंगी, राहु काल और अभिजीत मुहूर्त का समय बताऊंगी, साथ में ही आपके लिए लकी अंक लेकर आई। दोस्तों, आज मुझे थोड़ा सा जुकाम बुखार होने की वजह से मेरा गला थोड़ा भारी है, तो थोड़ा सा आपको आवाज मेरी कम आ रही होगी। आप मेरे इस चैनल से नए जुड़े हैं या आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल बटन को ऑल पर कर लीजिए जिससे मेरे प्रतिदिन के वीडियो समय से आपको मिलते रहें, आपको मेरा चैनल ढूंढना ना पड़े। दोस्तों, बहुत बार कुंडलियों में जब राहु केतु प्रबल हो जाते हैं तो हमारे जीवन में ये चंद्रमा से दृष्ट हो जाते हैं, तो इस तरह की स्थितियां बहुत जल्दी बन जाती है, या मंगल का छठे भाव से संबंध बन जाता है, रोग शत्रु ऋण अकारण भय इस हमारे जन्मांग में बनने लगता है, हमारे जीवन में आने लगता है, और जल्दी ही हम किसी तंत्र मंत्र बाधा में हमारे ऊपर उनका असर हो जाता है, या कोई किसी का किया कराया भी हमारे ऊपर बहुत जल्दी इफेक्ट कर जाता है। तो आज जो मैं आपको प्रयोग बता रही हूं, ये तंत्र प्रयोग है, इसमें किसी तरह की भी कोई हानि नहीं होगी किसी को भी। इस प्रयोग को करते समय ध्यान रखिए, किसी का नाम नहीं लेना है आपको, किसी भी व्यक्ति का नाम नहीं लेना है। अगर आप किसी व्यक्ति का नाम लेते हैं और मान लीजिए वो ईश्वर की नजरों में दोषी नहीं है, तो उसकी लौट फिर आपके ऊपर आ जाएगी। तो इसलिए इस प्रयोग को करते समय आपको किसी भी अपने शत्रु का नाम नहीं लेना है। इस प्रयोग को आपको मंगलवार या शनिवार को करना है। शुद्ध नहा धोकर, शुद्ध वस्त्र पहनकर एक चौकी पर पीला कपड़ा बिछा लीजिए, एक मिट्टी का दीपक लीजिए, उसमें सरसों का तेल भरिए, लेटी बाती लगाइए, उत्तर की तरफ अपना चेहरा कर लीजिए, इसमें दो चुटकी आप इसमें पीली सरसों डाल दीजिए, साथ में थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी, उसके लिए आप अलग से डिब्बी को हल्दी को अलग रखिएगा, और इसमें दो तीन चुटकी हल्दी पाउडर डाल दीजिएगा। अब थोड़ा पानी रख लीजिएगा, अपना नाम, अपने पिता का नाम, अपना गोत्र बोलिएगा, अपना निवास स्थान बोलिएगा, फिर अपनी मनोकामना कि मैं ऊपरी आधा व्याधा शत्रु बाधा से मुक्ति के लिए प्रयोग कर रहा हूं, किसी भी तरह का ऊपरी तंत्र मंत्र प्रयोग शत्रु बाधा मेरे जीवन में जो भी है, हे माता आपकी कृपा से सब कुछ दूर हो जाए और मेरा जीवन में भी मुझे सभी तरह की परेशानियों से मुक्ति प्रदान कर उस पर अपनी विशेष कृपा बनाए रखें। ऐसी आपको बोलने के बाद आपको जो मैं आपको मंत्र दे रही हूँ इसकी आपको एक माला करनी है, चाहे तो रुद्राक्ष की माला से, चाहे हल्दी की माला से हो, चाहे उंगलियों पर गिनकर आप इस मंत्र का जाप कर लेंगे। ओम लीम बगलाय नमः, ओम लीम बगलाय नमः, ओम लीम बगलाय नमः। इस मंत्र की आपको एक माला करिए, दीपक को अपने आप शांत होने दीजिए, जब आपकी माला पूरी हो जाए एक बार फिर क्षमा प्रार्थना कीजिएगा कि माता मुझसे कोई गलती हो गई हो उसके लिए मुझे क्षमा प्रार्थना कीजिए, मेरे जीवन में जो भी संकट शत्रु बाधा किसी भी तरह का टोना टोटका हो सबका काट हो जाए और आपकी कृपा दृष्टि वरद हस्त आपका मुझ पर बना रहे। जल को दीपक के चारों तरफ छिड़क दीजिए और आप उठ जाइए। जब ये दीपक शांत हो जाए तो पीला कपड़ा उठा के रख लीजिए और दीपक को किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए, या हर मंगलवार तो मंगलवार मंगलवार कीजिए, शनिवार तो शनिवार, सात मंगलवार सात शनिवार लगातार कीजिए। एक बात का विशेष ध्यान रखिए, किसी भी शत्रु का आपको इसमें नाम नहीं लेना है। ये शुद्ध प्रयोग है, इसे कोई भी व्यक्ति कर सकता है, किसी तरह की किसी को कोई हानि नहीं होगी, बल्कि इससे आपके जो अज्ञात भय शत्रु बाधा वो सब आपके जीवन से समाप्त हो जाएगी। तो इसे जरूर करिए और करते रहिए। अगर आपको भी ऐसा लगता है किसी ने आपके ऊपर जादू टोना किया हुआ है, तंत्र मंत्र किया हुआ है, व्यवसाय नहीं चल रहा है, या
बीमारी आपको है, दवाइयां नहीं लग रही हैं आपको, या पहले आपका काम बहुत अच्छा था अब नहीं है, तो आप इसे कर लीजिए। इसे करने में कोई हानि नहीं है किसी तरह की, तो चाहे तो सात शनिवार कीजिए और चाहे तो सात मंगलवार कीजिए। आप सात शनिवार करेंगे तो भी ये बहुत अच्छा आपको रिजल्ट दिया जाएगा दोस्तों। अब मेरे अमृत की बूंद और जादुई अक्षर जो कि नौ ग्रहों पर आधारित है, प्रतिदिन की गृह परिस्थितियों के आधार पर इन प्रयोगों को तैयार किया जाता है। आपकी कोई भी राशि हो, आपके जन्मांक में ग्रहों की कोई भी अवस्था रही हो, आप किसी भी देश में रहते हो, किसी भी भाषा से बिलोंग करते हो, ये 10 वर्ष के बच्चे से लेकर 90 वर्ष तक के बुजुर्ग सभी के लिए समान रूप से उपयोगी प्रभावी हैं। मात्र एक मिनट के प्रयोग हैं जिसमें ना तो समय लगता है ना कोई धन खर्च होता है। जब आप इनको करने लगते हैं तो सबसे पहले आपका चंद्रमा बलि हो जाता है, आपके भाग्य का आपको साथ मिलने लगता है, आपके सोचे हुए कार्यों में आपको मार्ग दिखाई देने लगते हैं। 16 अक्टूबर 2021 दिन शनिवार, आज का राहु काल है सुबह 9:11 से 10:40 तक। इस समय आपको कोई भी शुभ नया कार्यक्रम नहीं करना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त का समय है 11:42 से 12:29 तक। इस समय आप कोई भी शुभ नया कार्यक्रम कर सकते हैं। आज की अमृत की बूंद में आपको 5 काली मिर्च के दाने थोड़े से शहद के साथ इसका सेवन कीजिए। डायबिटीज है तो शहद की केवल 2 बूंद लीजिए दोस्तों। ये आपको किसी भी तरह की शत्रु बाधा से मुक्ति दिलाएगा, शनि की पीड़ा को शांत करेगा, आपका दिन शुभ होगा। आज का जो दोस्तों जादुई अक्षर है शंकर वाला शब्द को रेड कलर के पेंसिल लेफ्ट हैंड पर यहां से लेके यहां तक कहीं भी लिखकर छोड़ दीजिए। 24 घंटे तक लिखा रहने दीजिए। दूसरे दिन आप नहाएंगे धुल जाएगा, मैं आपको नया शब्द देती हूँ, आप इसको फिर से लिख सकते हैं। आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं तब छोटी सी सफेद कागज की चिट लीजिए, रेड कलर के पेंसिल के फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रखिए, 24 घंटे तक साथ रखिए। दूसरे दिन फाड़ कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए। आप इसको अपनी मदर टंग यानी मातृभाषा में भी लिख सकते हैं। अब दोस्तों जिनका बर्थडे या मेरिज एनिवर्सरी है उनका ये वर्ष शुभ हो, ऐसी मैं आप सभी से मंगल कामना करती हूँ। वो बच्चे महिला पुरुष बुजुर्ग जिनका बर्थडे है, वो पति पत्नी जिनकी की मैरिज एनिवर्सरी है, किसी भी वर्ष में आपकी बर्थडे या मेरिज एनिवर्सरी है, वो इस प्रे को करेंगे एक व्हाइट कलर के पेपर पर रेड कलर से 4 नंबर लिखेंगे, फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रखेंगे, तो ये आपको शुभता प्रदान करता रहेगा। अन्य कोई व्यक्ति इस नंबर को 24 घंटे तक लिखकर अपने पास रख सकता है। दोस्तों आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कमेंट में जय माता दी राधे राधे अवश्य लिखिए। आप उसे अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो स्क्रीन पे साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8077506510। इस नंबर पर आप कॉल या मैसेज के द्वारा प्रोसीजर जान सकते हैं। ये सुविधा मेरी पेड है दोस्तों, यहाँ आपको फीस देनी होती है। इसके अलावा आप किसी समस्या के बारे में वीडियो चाहते हैं कि मैं उसके ऊपर विस्तृत जानकारी दूं तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। आप अपने किसी समस्या से जूझ रहे हैं तो मैं इस सोमवार से डेली एक कमेंट अपने वीडियो के में ही लिया करूंगी, तो मैं आपको सोमवार से ही शुरू करूंगी। तो अपना कमेंट आप जो कुछ किसी समस्या के बारे में आप जानना चाहते हैं, अपना नाम लिखिए, डेट ऑफ बर्थ लिखिए, टाइम लिखिए, बर्थ प्लेस लिखिए, एक क्वेश्चन लिखिए, रैंडमली सेलेक्ट होने पर आपका क्वेश्चन जरूर लिया जाएगा। दोस्तों मैं फिर आपके सामने उपस्थित होंगी किसी नए विषय के साथ, अमृत की बूंद और जादुई अक्षर के साथ। धन्यवाद।